लो-कॉस्ट एयरलाइंस ने फंड की भारी कमी के कारण 3, 4 और 5 मई के लिए अपनी बुकिंग बंद कर दी है। गोफर्स्ट की उड़ान अचानक रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिकट बुक कराने वाले यात्रियों ने नाराजगी भी जताई है। लोग इधर उधर अपने पैसों और अपनी उड़ान के बारे में पता करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है। यहां तक कि उन्हें विकल्प भी नहीं दिए जा रहे हैं कि वो किसी अन्य फ्लाइट से यात्रा कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक गोफर्स्ट एयरलाइंस लंबे समय से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे में तेल कंपनियों के बकाया का भुगतान न कर पाने के कारण एयरलाइंस ने ये बड़ा फैसला किया है। पूरे मामले पर नजर डालें तो वित्तीय संकट से घिरी एयरलाइंस कंपनी के लिए इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी ने सप्लाई बंद कर दी है। इसके चलते कंपनी के पास फंड की भारी कमी हो गई है। अमेरिकी कंपनी की ओर से इंजन नहीं मिल पाने के कारण कंपनी के आधे से अधिक विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस के करीब 50 विमान ग्राउंड कर दिए गए हैं। इसके चलते कंपनी के कैश फ्लो पर बेहद बुरा असर हुआ है। सोशल मीडिया पर गो एयर की निर्धारित उड़ानें रद्द होने की शिकायतों की बारिश आ गई है। इन खबरों को टिकट बुक कराने वाले जिन यात्रियों ने पढ़ा, उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA से शिकायत कर बुकिंग पर अपने रिफंड की मांग की है। वहीं गोफर्स्ट एयरलाइंस के चीफ कौशिक खोना ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि वाडिया ग्रुप की गोफर्स्ट 3 और 4 मई को अस्थायी रूप से उड़ाने बंद रहेंगी। खोना ने कहा कि प्रैट एंड विटनी द्वारा इंजनों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण एयरलाइंस ने अपने बेड़े के आधे से ज्यादा विमानों को खड़ा कर दिया है। इसके चलते फंड की किल्लत हो गई है। और इसके अलावा गोफर्स्ट ने प्रैट एंड विटनी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा किया है। कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक एयरलाइंस के बेड़े के 61 विमान हैं, जिनमें से 56 A320neo और 5 A320ceo हैं। कंपनी के ऐसे समय में पैसेंजर रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, जब महामारी के बाद एयर ट्रैफिक में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रिपोर्ट की माने तो वाडिया ग्रुप की एयरलाइन गो फर्स्ट दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है। कंपनी ने NCLT में वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।